आज के सेक्शन में हम पढ़ेंगे सेक्शन 125 ऑफ कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीडिंग 1973। ये सेक्शंस कब यूज़ करा जाता है? ये सेक्शन मेंटेनेंस के लिए यूज करा जाता है, वाइफ के द्वारा, चिल्ड्रंस के द्वारा, पेरेंट्स के द्वारा। इनमें चिल्ड्रन माइनर हो सकते हैं और मेजर भी हो सकते हैं। ज़्यादातर ये ऑर्डर माइनर चिल्ड्रन तक ही मेंटेनेबल होता है, और अगर चाइल्ड मेजर हो जाता है तो वो ऑर्डर कैंसिल हो जाता है, और अगर गर्ल चाइल्ड हो और वो मेजर हो जाती हो तो जब तक उसकी शादी नहीं होती तब तक ये ऑर्डर एप्लीकेबल हो सकता है। सो पहला पढ़ेंगे 125 ए में, इफ अ पर्सन हैविंग अ सफिशिएंट मींस, अगर पर्सन उसके पास सफिशिएंट मींस है, सफिशिएंट मींस मीन सफिशिएंट रिसोर्सेज है, सफिशिएंट इनकम है, फिर भी वो निगलेक्ट करता है और मना कर देता है टू मेंटेन हिज वाइफ हु इज अनेबल टू मेंटेन हरसेल्फ। अगर वाइफ अपने आप को मेंटेन नहीं कर पा रही, तो अगर वाइफ कमा रही है, एजुकेटेड है, पढ़ी लिखी है, उसके पास पैसे है, इन्वेस्टमेंट है, तो उसको ये मेंटेनेंस इस सेक्शन में नहीं मिलेगा। और हिज लेजिमेट और इलेजिमेट माइनर चाइल्ड, तो अगर माइनर चाइल्ड है, लेजिमेट और इलेजिमेट हो, वेदर मैरिड और अनमैरिड, अनेबल टू मेंटेन इटसेल्फ, इसमें भी अगर वो मेंटेन अपने आप को नहीं कर पा रहा तो मेंटेनेंस लगेगा, तो अगर मेंटेन कर पा रहा है तो मेंटेनेंस नहीं लगेगा। सपोज उसके पास पर्याप्त रिसोर्सेज है, इन्वेस्टमेंट करी हुई है, और वो छोड़ के वाइफ के साथ चला गया लड़का, तो इस सेक्शन के द्वारा मेंटेनेंस नहीं मिलेगा। इन केस ऑफ माइनर डॉटर, अगर वो मेजॉरिटी मेजर हो जाती है और टिल मैरिज तक मेंटेनेंस देना पड़ता है, पर इन केस ऑफ चाइल्ड में वेदर सच चाइल्ड इज बाय द रीजन ऑफ एनी फिजिकल मेंटल अबनॉर्मलिटी और इंजर्ड, अगर फिजिकल मेंटल को इंजरी है, अबनॉर्मलिटी है, तो फिर मेंटेनेंस देना पड़ेगा अगर वो अपने आप को मेंटेन नहीं कर पा रहा। ऊपर तो फर्स्ट वाला हो गया 125(1)A, तो वाइफ के बारे में हो गया, 125(1)AB चाइल्ड के बारे में हो गया। तो चाइल्ड अगर फिजिकल मेंटल एबनॉर्मलिटी इवन तो माइनर मेजॉरिटी अटेन कर लेता है, तब भी उसको मेंटेनेंस मिलेगा अगर वो अपना आप को मेंटेन नहीं कर पा रहा। नेक्स्ट है फादर मदर, तो जो जो बच्चे अपने पेरेंट्स को मेंटेन नहीं करते, जो फादर मदर सीनियर सिटीजन हो जाते हैं 60 के बाद, जो वो सोचते हैं कि हमें फादर मदर को कुछ ही नहीं देना, तो दे आर बाउंडेड अंडर दिस सेक्शन, ये कानून है। सो वो अगर मेंटेन नहीं करते अपने फादर मेंटेन को, देन द मैजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास मे अपॉन द प्रूफ ऑफ सच नेग्लेक्ट ऑफ रिफ्यूजल, तो जो भी प्रूफ होंगे, जो भी एविडेंसेस होंगे कि वो मेंटेन कर पा रहा है नहीं कर पा रहा, उसके एविडेंसेस विच इज नथिंग बट सोर्स ऑफ इनकम एंड इन्वेस्टमेंट, ऑर्डर सच पर्सन टू मेक मंथली अलाउंसेस, करेक्ट, आगे चले, प्रोवाइडेड अगर माइनर चाइल्ड है और वो मेजॉरिटी अटेन कर लेती है, जब तक उसकी शादी नहीं होती तब तक फादर को देना पड़ेगा अगर गर्ल चाइल्ड है। इसमें वाइफ का मतलब है वो वाइफ जो डाइवोर्स वाइफ है, और वो वाइफ जो डाइवोर्स हो चुकी है या डाइवोर्स ले रही है, ऑब्टेन ड्यूरिंग द पीरियड टिल शी हैज नॉट मैरिड, जब तक वो शादी नहीं करती दूसरी, या ये ऑर्डर एप्लीकेबल होगा फ्रॉम द डेट ऑफ ऑर्डर और फ्रॉम द डेट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ मटेरियल, तो जिस दिन एप्लीकेशन डाली थी मटेरियल वो, या जिस दिन ऑर्डर, तो 100% केसेस में फ्रॉम द डेट ऑफ एप्लीकेशन ही होता है। इफ द पर्सन सो ऑर्डर, तो जिस पर ऑर्डर हुआ फेल्स विदाउट अ सफिशिएंट कॉज, अगर वो नहीं दे पाता और कोई जस्टिफाई रीजन नहीं दे पा सकता कि क्यों नहीं दे पा रहा, देन फॉर एवरी ब्रीच ऑफ ऑर्डर, फॉर एवरी ब्रीच ऑफ ऑर्डर इशू ऑफ वॉरंट फॉर लेवी अमाउंट फॉर विद फाइन एंड, तो पहले ऑर्डर होगा फॉर लेविंग द फाइन, और फिर बोला जाएगा कि आप उसको पेमेंट कीजिए, अगर पेमेंट नहीं करता
तो उसकी प्रॉपर्टीज जो मूवेबल इमूवेबल वो अटैच हो सकती है. एंड मे सेंटेंस सच पर्सन फॉर होल, मे सेंटेंस सच पर्सन, और उनको जेल भी भेज सकते हैं अगर होल पूरा का पूरा या थोड़ा सा भी रिमेन अनपेड रह जाता है आफ्टर एग्जीक्यूशन ऑफ वॉरंट फॉर अ टर्म नॉट एक्सीडिंग 1 month. और हर डिफॉल्ट पर 1 month की जेल होगी और अंटिल पेमेंट इज सूनर मेड. प्रोवाइडेड नो वॉरंट शैल बी इश्यूड फॉर रिकवरी ऑफ एनी अमाउंट अनलेस एप्लीकेशन इज मेड टू द कोर्ट टू लेवी सच अमाउंट. तो तब तक रिकवरी नहीं होगी जब तक ही कोर्ट में एप्लीकेशन नहीं करी जाएगी एग्जीक्यूशन की विद इन पीरियड ऑफ 1 year फ्रॉम द डेट ऑन विच इट बिकम ड्यू. प्रोवाइडेड इफ सच पर्सन ऑफर्स टू मेंटेन हिज वाइफ ऑन द कंडीशन ऑफ हर लिविंग, तो अगर पर्सन बोलता है कि मैं मेंटेन करने को तैयार हूँ वो मेरे साथ आके रहे और फिर भी वो मना कर देती है, द मजिस्ट्रेट मे कंसिडर एनी अदर ग्राउंड. और अदर मजिस्ट्रेट को लगता है कि एनी अदर राउंड इज जस्ट अ ग्राउंड टू फॉर ग्रांटिंग मेंटेनेंस, तो मजिस्ट्रेट को मेंटेनेंस लगा देता है. नो वाइफ शैल बी एंटाइटल टू रिसीव मेंटेनेंस अगर वो अडल्ट्री में रहती है, दूसरी संबंध में रहती है, अगर बिना रीजन के वो छोड़ के जा चुकी है और अगर वो म्यूचुअल कंसर्न के अलग अलग रह रहे हैं. तो 3 ग्राउंड ये हो गए. एक आपका हो गया अनेबल टू मेंटेन हरसेल्फ, और अगर उनके पास सफिशिएंट मींस है तो मेंटेनेंस नहीं मिलती. ऑर्डर हो जाता है वाइफ के फेवर में और उसके बाद भी हम इस सेक्शन में अप्लाई कर सकते हैं कि हम दोबारा प्रूव कर सकते हैं. सपोज पहले ऑर्डर जल्दीबाजी में लग गया, किसी ने देखा नहीं, फिर भी हम उसको ऑर्डर को रिविजन में जा सकते हैं. ऑन द प्रूफ दैट शी वॉज लिविंग इन एडल्ट्री और विदाउट अ सफिशियंट रीजन दैट टू शी रिफ्यूज टू लिव विद हर हस्बैंड और दे आर लिविंग सेपरेटली बाय म्यूचुअल कंसर्न, देन मैजिस्ट्रेट मे कैंसिल, शैल कैंसिल, शैल कंपल्सरी है, विल शैल कैंसिल द ऑर्डर, ऑर्डर वो कैंसिल कर देगा. तो मोटा मोटा समराइज फॉर्म है ये सेक्शन. वाइफ, चिल्ड्रन, चिल्ड्रन में माइनर चिल्ड्रन, मेल और फीमेल, फीमेल चाइल्ड होगी तो मेजॉरिटी से बियॉन्ड जा सकते टिल हर मैरिज, मेल चाइल्ड हो माइनर हो टिल मेजॉरिटी विच इज 18 years, पेरेंट्स वो फादर मदर इफ दे आर सीनियर सिटीजन, प्रोवाइडेड अगर उनके पास सफिशियंट मींस नहीं है, अगर उनके पास सफिशियंट मींस है वो अपने आप को मेंटेन कर सकते हैं, उनके पास सफिशियंट इनकम है तो ये सेक्शन नहीं लगता. अगर वाइफ अडल्ट्री में रखती है तो ये सेक्शन नहीं लगता, और अगर बिना कारण अपना छोड़ के मायके में बैठ गई तो नहीं लगता ये सेक्शन, और अगर वो मिलके म्यूचुअल कंसर्न से अलग अलग रह रहे तो ये सेक्शन नहीं लगता. बिना देखे अगर ये सेक्शन वाइज एंड ऑर्डर आपके फेवर अगेंस्ट आ जाता है तब भी आप सेक्शन 125 पास में जाके इस ऑर्डर को कैंसिल करा सकते हो ऑन अ प्रूफ कि ये चीज़ें थी, मैजिस्ट्रेट ऊपर वाले मैजिस्ट्रेट ने नहीं देखा तो मैजिस्ट्रेट शैल कैंसिल दी ऑर्डर.